दोस्तों हम आज एक और ट्रेड का प्रोग्राम देखने वाले हैं, मगर ये जो प्रोग्राम देखने वाले हैं वो हमारा टेपर ट्रेड का प्रोग्राम है दोस्तों। तो हम इसका प्रोग्राम किस तरीके से बनाएंगे चलिए हम देखते हैं, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बराबर मिलता रहे, वो भी पूरे डिटेल में। तो चलिए हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेपर ट्रेडिंग का प्रोग्राम। कल के वीडियो में देखे थे दोस्तों हम G32 और G33 से ट्रेडिंग का प्रोग्राम हम किस तरीके से बनाएंगे, और हमें G32 G33 से प्रोग्राम बनाना इजी है या G76 साइकिल से। उस वीडियो में पूरा डिटेल दिया था, अगर आप लोगों में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखना। आज बहरहाल हम देखने वाले हैं G76 से टेपर ट्रेडिंग का प्रोग्राम। तो आज भी दोस्तों मैं हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे जो ड्राइंग बनाया है, यहाँ पे मैंने शो किया है M40 × 2.5, मतलब हमारा ट्रेड का जो पिच है वो है कितने का, 2.5 mm का। M40 अपना मैट्रिक ट्रेड हो गया बराबर, और पिच है 2.5 mm का, 2.5। और मैंने यहाँ पे दोस्तों जो आगे का डायमीटर दिया है कितना दिया है, 25, और पीछे का डाया जो दिया है वो 40 mm का दिया है। ट्रेड लेंथ दोस्तों मैंने यहाँ पे दिया है 35 mm। हम दोस्तों इसी का प्रोग्राम देखने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ पे प्रोग्राम पहले से स्टार्ट करके रखा है, हमारा प्रोग्राम का पहला वर्ड क्या रहता है, ओ रहता है। हर प्रोग्राम से पहले वो लगाना कंपलसरी है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या डाला है, 1515, ये हमारा 4 डिजिट का प्रोग्राम नंबर हो गया। उसके बाद N1 G28 U0.0 W0.0, ये हमारा होम पोजिशन हो गया। ठीक है, टूल नंबर मैं एक लिया हूँ और ऑफसेट नंबर भी मैं एक ही लिया हूँ। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हम ऑफसेट जितना नंबर यहाँ डालेंगे उतने नंबर में हमें ऑफसेट लेना रहेगा। ठीक है, G97 दोस्तों जैसे कि पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि G97 हमें ट्रेडिंग में लेना ही है, क्योंकि हमारा स्पिंडल एक ही स्पीड में रन होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। टूल का रोटेशन M03 क्लॉकवाइज लिया है और स्पिंडल स्पीड मैंने यहाँ पे 1000 लिया दोस्तों। ठीक है, अब उसके नीचे दोस्तों हम डाल देंगे G0 यक्स। अब यक्स का वैल्यू क्या डालेंगे, जैसे कि हमारा जॉब कितने में है, टेपर में है दोस्तों। आगे का डायमीटर कितना है, 25, अब पीछे का डायमीटर कितना है, 40। तो हम टूल को जब बुलाएंगे, जैसे कि हमारा ये जो ड्राइंग है, टूल को होम पोजीशन से बुलाएंगे यहां से, तो किस डायमीटर पे बुलाएंगे, इस डायमीटर पे बुलाएंगे या इस डायमीटर पे बुलाएंगे। तो दोस्तों हमारा जो बिग डाया है उस डायमीटर पे हम बुलाएंगे, वो भी उससे प्लस ही बुलाएंगे। तो जैसे कि हमारा जब बड़ा डाया है कितने का है, 40 mm का, तो हम यहाँ पे टूल को जो बुलाएंगे तो डाल देंगे यहाँ पे 42.0। ठीक है, अब उसके बाद जेड में दोस्तों हम डाल देंगे Z2.0। ट्रेड दोस्तों हम हमेशा क्या करते हैं, अपने जॉब के फेस से बाहर से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा ट्रेड का जो इंसर्ट रहता है कुछ इस तरीके से रहता है, मतलब ये हिस्सा हमारा पॉइंट से बाहर रहता है, अपना जो ट्रेड का मेन पॉइंट रहता है वो अंदर रहता है। हम ऑफसेट भी लेते हैं तो यहीं पे लेते हैं, ना कि यहां पे लेते हैं। तो इसके लिए हमें ट्रेड बाहर से ही स्टार्ट करना रहता है। ठीक है, फेस भी टर्निंग भी हम करते हैं तो बाहर से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम बाहर से स्टार्ट करेंगे तो वही बेटर है। जैसे कि अगर जैसा कि हमारा ये डायमीटर है, अगर टर्निंग मैं बाहर से स्टार्ट नहीं करूंगा, टूल हमारा जाएगा जो रिटर्न या स्टार्ट जो होएगा, तो बाहर से अगर ये एक्स में नीचे पहले जाएगा फिर उसके बाद टर्निंग करेगा, और अगर हमारा डायमीटर पे ही अगर सीधा बुलाएंगे ऐसे, मतलब बाहर नहीं करेंगे, जब अपना जो फेस का रहेगा लेंथ उसी लेंथ पे बुलाएंगे तो सीधा वो आके डायमीटर पे ही टच हो जाएगा और उसके बाद फिर वो टर्निंग करेगा। तो इसके लिए दोस्तों हम उसको बाहर से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब उसके आगे मैं दोस्तों यहाँ पे डाल दूंगा M08। ठीक है, कूलेंट ऑन। अब उसके नीचे दोस्तों हमें क्या लगाना है, साइकिल। अब आप देखिए कल का प्रोग्राम जो मैं आपको बताया था G32 से और G33 से, उसमें हमारा प्रोग्राम कितना लंबा हो गया था, 1.5 के ही। अगर मैं 2.5 का आपको दिखाता कल के वीडियो में तो और लंबा हो जाता, और वहां पे हम जो कल डेट ऑफ कट लिए थे 0.4 का लिए थे दोस्तों। अगर मैं 0.2, 0.15, 0.25 का लेता तो और लंबा वीडियो होता 1.5 में ही। अब यहाँ पे मैं आपको आज दिखा रहा हूं कितने का, 2.5 का। अब आप खुद देखिए कि ये प्रोग्राम कितना लंबा होता है। ठीक है,
तो अब हमारा यहाँ से साइकिल स्टार्ट होगा, कौन सा? G76। G76 साइकिल का दोस्तों जो पूरा डिटेल है मैं अभी बहुत ही जल्द वीडियो दिया हूँ, अगर आप लोगों में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखना जरूर, उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम G76 डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम क्या डालेंगे, P02 हमारा क्या है, फिनिश पासेज है, ठीक है। उसके बाद हम आगे डाल देंगे 00 क्या है, ये चंपरिंग अलाउंस है, उसको हमें 00 ही रखना है, ठीक है। अब उसके आगे हम क्या डालते हैं, 60 ट्रेड का एंगल हो गया हमारा, ट्रेड का एंगल कितना है, कितने का हमारा ट्रेड का एंगल रहेगा उतना हम यहाँ पे डाल देंगे। अब ट्रेड एंगल जैसे कि ये वी टाइप में बनता है ना, ये हमारा ट्रेड का एंगल है, ये एंगल कितने का है हमको यहाँ पे डालना रहता है, तो हमारा मैट्रिक ट्रेड है तो मतलब 60 का एंगल, ठीक है ना। अब उसके आगे दोस्तों हम क्यू लगा देंगे, क्यू हमारा क्या है, डेप्थ ऑफ नॉर्मल कट, जैसे कि ये हमारा जो ट्रेड बनेगा यहां से लेके यहां तक, तो यहां से कटिंग करते हुए जाएगा, क्योंकि एक ही बार में तो पूरा कट होगा नहीं, थोड़ा थोड़ा कट करते हुए जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा ये कट करते हुए जो जाएगा जिस डायमीटर पे अपना माइनर डाया जो रहेगा ट्रेड का, वही ये हमारा डेप्थ ऑफ कट रहेगा, ये कट लेते हुए यहां तक जाएगा। तो यहां पे हम डाल देते हैं दोस्तों 100, ठीक है। अब 100 जो मैं डाला है वो 100 है क्या, तो दोस्तों ये माइक्रोन में है, 100 माइक्रोन, ठीक है। अब उसके आगे दोस्तों आर आता है, अब आर में भी बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं वीडियो में बताया हूं। अब इसमें जैसे कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं या कहीं और अदर वीडियो देखे हैं तो आपको आर का वैल्यू कोई बताता है R20 डालो, कोई बताता है R30 डालो, कोई बोलता है R70 डालो, 70, कोई 80 बोलता है, कोई 100 भी बोल देगा। तो इसमें आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रोग्राम कौन सा सही है, तो इसमें दोस्तों कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, ये हमारा है क्या एक्चुअली ये पहले हमें जानना जरूरी है। तो दोस्तों ये है हमारा फिनिशिंग अलाउंस, तो इसको हम R20 डालते हैं, ठीक है। R70 डालेंगे, R80 डालेंगे तो भी चलेगा, कुछ इश्यू होने वाला नहीं है कि हमारा प्रोग्राम रन होगा या हमारे जॉब पे ट्रेड बराबर बनेगा नहीं बनेगा, इस तरीके से आप अपने मन में लेके आएंगे तो आप प्रोग्रामर नहीं बन पाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं हर एक वीडियो में पूरा डिटेल देता हूं ताकि आपको जो भी डाउट हो वो हर डाउट क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आपको पूरा प्रोग्राम समझ में आएगा। अब जैसा कि यहाँ पे R20 मैंने डाला है, अब मैं आपको वीडियो में बता के R20 कि R20 हमें डालना है, उसके बाद आगे निकल जाता। अब कल आप किसी और का वीडियो देखते या अपने मशीन पे प्रोग्राम रन हो रहा है वहां पे R70 है, 80 है, R0.05 डाला हुआ है, तो उससे आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ जाएगा कि जो मैं आपको बताया हूं वीडियो में वो प्रोग्राम बराबर है कि नहीं, या जो हमारे मशीन पे चल रहा है, मतलब ये आप खुद देखें कि हमारे मशीन पे चल रहा है मतलब ये बराबर है, तो मतलब आपके मन में ये आएगा कि जो मैं वीडियो में बताया हूं वो बराबर नहीं रहेगा, बराबर। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, ये हमारा फिनिशिंग अमाउंट है, ठीक है। अब उसके बाद G76 का दूसरा लाइन आता है दोस्तों, G76, उसके बाद यक्स का वैल्यू आएगा, यक्स में हम कौन सा साइड डालेंगे, जैसा कि हमारे ड्राइंग पे दो डायमेंशन हो, एक 25 का है, आगे का जो स्टार्ट डायमीटर है वो 25 का है, और जो पीछे का एंड पॉइंट है उसका डायमीटर कितना दिया है, 40 दिया है। अब माइनस डाया हम किस डायमीटर से कैलकुलेशन करके माइनस करेंगे, जो कि अभी जल्दी में G76 में दिया था कि आपको बताया था कि हम डायमीटर से भी अपना पिच जितना दिया रहता है उसको माइनस करके हम माइनस डाया डाल सकते हैं, और अगर हम फार्मूले से निकालते हैं तो हमारा फार्मूला कौन सा है, 0.614। इससे हम क्या करेंगे, इसको दोस्तों हम इंटू करेंगे हमारा जितने का पिच है, पिच हमारा कितना है 2.5 का, 0.614 इंटू 2.5 करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो हमारा वन साइड डेप्थ आएगा। जैसे कि ये हमारा ट्रेड का डेप्थ अगर हम यहां से चेक करेंगे ये फेस से, तो ये हमारा डेप्थ जितना आएगा वो वैल्यू यहां पे निकल के आएगा। अब उस वैल्यू को हमें डबल कर देना है, डबल करेंगे तो फिर जैसे कि यहां से यहां तक डेप्थ मिला तो फिर उसको डबल करने से क्या हो जाएगा, यहां से यहां का भी डेप्थ मिल जाएगा, तो फिर वो हमको क्या मिल गया, माइनस आया मतलब यहां से ये यहां तक का ये हमारा माइनस डाया हो जाएगा। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, या फिर अपना जो अपना डाया दिया रहेगा उस डाया से हम पिच जितने का पिच रहेगा उसको माइनस करके भी हम माइनस डाया निकाल सकते हैं।
बहरहाल हम 0.614 इंटू 2.5 पिच अगर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगा दोस्तों 1.535। ये हमारा क्या आया, वन साइड का डेप्थ आया दोस्तों। अब इसको हमें कहाँ डालना है, पी के वैल्यू में डालना है, ठीक है, पी में हम ये वैल्यू डालेंगे। लेकिन हमें माइनर डाया कितना डालना है, जैसा कि मैं आपको बताया हूं, इसको हम इंटू टू कर देंगे, इंटू टू कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 3.07, ठीक है, 3.07 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो हमारा डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया है, 40 डायमीटर है, ये हम 40 × 2.5 डायमीटर से हम माइनस करेंगे, 40 डायमीटर से 40.0 माइनस किससे करेंगे, माइनस 3.07, 40 डायमीटर से 3.07 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा 36.93। ये हमारा कौन सा हो गया वैल्यू, यहाँ पे हो गया माइनर डाया। हमें ये चीज यक्स में डालना है, यहाँ पे हमें 36.93 डालना है, ठीक है, ये हमारा माइनर डाया हो गया। अब जेड का वैल्यू डालना है दोस्तों, जेड माइनस हम कौन सा डालेंगे, जो हमारा थ्रेड का लेंथ दिया हुआ। अब यहाँ पे भी दोस्तों एक चीज और है, जैसा कि यहाँ पे जो थ्रेड का हमारा लेंथ दिया हुआ है, ये फेस से ये फेस का डिस्टेंस दिया है 35 mm, बराबर, तो क्या हम जेड में जेड माइनस 35 डाल देंगे, जेड माइनस अगर 35 हम डालेंगे तो क्या होगा, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये फेस से ये फेस का 35 दिया है। अगर हम 35 डाल देते हैं तो थ्रेड जो हमारा होगा तो ये फेस पे टूल आके हमारा टच होगा। चलिए हम मान लेते हैं कि हम प्रॉपर ऑफसेट ले लिए तो मशीन डैश नहीं होगा, ठीक है, वहां जाके मतलब झटके से टूल हमारा टच नहीं होगा, नॉर्मल टच होगा, तो नॉर्मल टच होगा तो भी तो नहीं चलेगा वो, इसलिए क्योंकि जरा सा भी टूल हमारा अगर टच हुआ तो ये फेस पे क्या हो जाएगा, स्टेप आ जाएगा दोस्तों, ऐसे फिनिश खराब हो जाएगा, स्टेप आ जाएगा। तो हमें क्या करना रहेगा, इस लेंथ को हमें कम डालना रहेगा, जैसे कि यहाँ पे गुरु नहीं दिया फिर भी हमें कम डालना रहेगा। अब यहाँ पे हम कितना कम डालेंगे ये भी बात है, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया हूं कि अगर हम प्रॉपर ऑफसेट ले लिए तो हम 0.1 कम डालेंगे तो भी चलेगा, 0.2 भी कम डालेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, नहीं तो हम 0.5 से लेके 0.3 तक कम डालेंगे। जैसा कि यहाँ पे 35 का लेंथ दिया है तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 34.5 डालेंगे, 6 डालेंगे या 7 डाल देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पी आता है, पी का वैल्यू हम कितना निकाले थे, पी का वैल्यू निकाले थे दोस्तों हम यहाँ पे 1.535, तो क्या पी में हम इस तरीके से डाल देंगे, पी में 1.535 क्या हम इस तरीके से डाल देंगे, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, हमें पॉइंट निकालना होगा 1535, पॉइंट हम निकाल के डालेंगे पी के वैल्यू में, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों क्यू आएगा, क्यू ऑलरेडी हम एक पहले देख चुके हैं, यहाँ पे 100 micron डाले हैं, अब यहाँ पे वापस क्यू आया है तो वापस हम क्या डालेंगे क्यू में, ये कौन सा क्यू है, पहले की वीडियो में भी ये चीज के बारे में मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हूं, ये क्यू भी दोस्तों हमारा डेप्थ ऑफ कट है। कौन सा कट, जो पहला कट लेगा हमारे ट्रेड के डायमीटर पे उसका वैल्यू यहाँ पे हमें डालना, तो इसको भी हम सेम डालेंगे या कम ज्यादा करेंगे तो भी चलेगा, कुछ उतना इशू नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड होने वाला है, क्योंकि मैं अभी तक जितना भी G76 से प्रोग्राम बना के आप लोगों को दिया हूं, इसके आगे मैं केवल फीड लगा देता था अपना और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता था, लेकिन आज हमारा जो ड्राइंग है वो कौन सा है, टेपर में है, टेपर ट्रेडिंग है, तो हमें एक चीज यहाँ पे और ऐड करना है, वो क्या है, आर में दोस्तों हम टेपर डालेंगे। अब टेपर कितना डालेंगे ये हमें सबसे पहले देखना है, तो जैसा कि हमारा जो डायमीटर है, कितने का डायमीटर है, बड़ा डायमीटर 40 mm का, छोटा डायमीटर कितने का है 25.0, माइनस करेंगे कितना आएगा, कितना आया 15 mm, तो 15 mm को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो कितना हो जाएगा 7.5, तो 7.5 का टेपर हमें डालना है, तो हम किस तरीके से डालेंगे ये भी देखना जरूरी है। तो यहां पे हम दोस्तों डालेंगे R माइनस 7.5,
इस तरीके से हमें टेपर डालना है आर माइनस। अगर यही चीज आईडी में रहता दोस्तों तो हम यहां पे किस तरीके से डालेंगे, तो जो मैं यहां पे माइनस का वैल्यू लगाया है वो हम निकाल देंगे। आईडी के लिए अगर हमारा टेपर ट्रेड रहेगा तो आर 7.5 डालेंगे, माइनस नहीं डालेंगे। ओडी पे है तो हम माइनस डालेंगे, आईडी में रहेगा तो माइनस नहीं डालेंगे दोस्तों। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमें आगे क्या डालना है, यफ। यफ कितना डालेंगे, जितने का हमारा ट्रेड का पिच है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड का पिच कितना है 2.5। उसके बाद एंड ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या डालना है नीचे, G0 यक्स। यहाँ पे कितना लिए थे 42, वही चीज यहाँ पे डाल देना, यक्स 42.0। और साथ में अगर Z2.0 भी लगा देंगे तो भी चलेगा, या यहाँ पे हम 42 डाल के एंड ब्लॉक डाल देंगे और नीचे Z2.0 डाल देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसलिए इतना डिटेल से बताता हूं दोस्तों। हर एक वीडियो में डिटेल से बताने का मकसद मेरा यही है कि आपको प्रॉपर समझ में आए प्रोग्राम। ठीक है, अब उसके नीचे दोस्तों हम क्या डाल देंगे, M09 डाल देंगे। M09 डालने से क्या होगा, हमारा कूलेंट सबसे पहले बंद होगा टूल को पीछे जाते ही। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पिंडल बंद करेंगे, उसके लिए कोड लगाएंगे M05। फिर नीचे हम क्या करेंगे, N2 से क्या होगा, G28 होम पोजीशन हम डाल देंगे। ठीक है, एंड ऑफ ब्लॉक। उसके नीचे M01 एंड ऑफ ब्लॉक। फिर उसके नीचे M30 प्रोग्राम एंड। हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब आप मुझे खुद बताइए, कल का जो हमारा ट्रेडिंग का प्रोग्राम था G32 और G33 से, उसमें हमारा जो पिच दिया हुआ था कितने का था, 1.5 का। अब 1.5 का पिच का ट्रेड का प्रोग्राम हम बनाए थे, तो ये बोर्ड पे हम कितनी बार बनाए थे, दो बार। एक बार पूरा बनाने के बाद मैं उसको मिटाया हूँ, वापस दोबारा बनाया हूँ। उसके बाद मुझे M09, M05, N2 ये चीज यहाँ पे मेंशन करना पड़ा, तब जाके हमारा प्रोग्राम कम्प्लीट हुआ। वो भी मैं 0.4 डेप्थ ऑफ कट लगाया था दोस्तों, कितने का 0.4 का। और यहाँ पे मैंने कितने का डेप्थ ऑफ कट लगाया है 0.1 का। अगर कल के वीडियो में अगर मैं वहां पे 0.1 यूज करता तो 1.5 का डेप्थ का प्रोग्राम कितना लंबा होता, आप खुद देखिए। तो G76 में बनाने से यही है कि हमारा प्रोग्राम लंबा नहीं होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें प्रोग्राम बनाने में। हाँ, इसमें थोड़ा है नए लोगों को कि PQ में क्या डालते हैं, किस तरीके से डालते हैं, कौन सा वैल्यू लगाते हैं, कितना वैल्यू लगाते हैं, ये सब चीज है नए लोगों के लिए। लेकिन अगर आप बनाएंगे नहीं तो आप जुड़े कैसे होंगे, आप हमेशा नए ही रहेंगे। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे G76 से प्रोग्राम बनाने का तो आप हमेशा नए ही रहेंगे दोस्तों। आप एक बार प्रोग्राम बनाएंगे आपका हाथ साफ होगा, बाद में आप ऑटोमेटिक ही G76 ही यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम G76 में टेपर का प्रोग्राम बनाएंगे। अब कितने का भी टेपर रहे वहां पे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया 7.5 mm 7.5 का टेपर का प्रोग्राम दिखाया। अब आपको यहाँ पे जैसा कि यहाँ 40 का डायमीटर है, यहाँ पे 25 है। अब यहाँ पे मैं अगर 15 कर देता हूं, मतलब 15 का, हाँ, और यहाँ 40 रहेगा, तो वैसे ही हमें कैलकुलेशन करना है, मतलब कितने का हो जाएगा। यहाँ पे 40 से हम 15 माइनस करेंगे तो 25 हो गया, उसका टेपर का वैल्यू कितना आया, 12.5 आएगा। 25 को हम क्या करेंगे, डिवाइड 2 से करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगा हम आर में डाल देंगे। कोई भी टेपर का प्रोग्राम अगर रहेगा G76 में, अगर हमें प्रोग्राम बनाना है तो इस तरीके से हम प्रोग्राम बनाएंगे दोस्तों। तो वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियो आपको बराबर मिलता रहे और हर वीडियो आपको इसी तरीके से डिटेल में मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।